नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बाजार का जूस तो हम बड़े ही आसानी से बनवा के पी लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी अच्छा जूस हम घर पर बना कर पी सकते हैं और थोड़े से ही फ्रूट से अच्छा जूस बन के तैयार हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊँगी 3 फ्लेवर जूस कैसे बनाते हैं। तो आइए जूस बनाना शुरू करते हैं और बनाते हैं ताज़ा फ्रूट जूस। जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मौसमी लिया है और इसका छिलका उतार करके इस तरह से रख लिया है। मैंने यहाँ पर 7-8 मौसमी लिया है, इतना में 2 गिलास जूस अच्छा से निकल जाता है। 5-6 एप्पल को मैंने 4 टुकड़ों में काट दिया है और उसको साफ़ करके रख लिया है। और यहाँ पर वाटरमेलन को भी मैंने पतला पतला स्लाइड करके रख लिया है। और मैंने यहाँ पर जूसर की मदद से मैं ये जूस निकाल के रखूँगी। सबसे पहले मैं मौसमी का जूस निकालूंगी। तो मौसमी का जूस निकालने के पहले मैंने इसमें का सारा बीज पहले ही निकाल के रख लिया था। बीज यदि आप इसमें छोड़ देंगे तो जूस हमारा कड़वा हो जाएगा। और इसी तरह मौसमी के पीसेस डाल डाल के जितना मौसमी है हमारा सारा जूस निकाल लेंगे उसका। ये देखिए बहुत आसानी से जूस निकल जाता है और कोई भी मुश्किल नहीं आती है इसमें। देखिए मैंने कितना आसानी से जूस को निकाल लिया। ये देखिए इतना मौसमी में हमारा 2 गिलास से भी ज़्यादा जूस निकल के तैयार हो गया है। अब मैं मौसमी के जूस को अलग कर दूंगी और इसके बाद मैं एप्पल का जूस बनाऊंगी। तो एप्पल का भी देखिए इस तरह से बीज मैंने निकाल लिया है। अब इसी में डाल करके मैं इसको भी इसी तरह से इसका भी जूस निकाल लूँगी। ये देखिए कितना आसानी से इसका जूस निकल के तैयार हो जाता है। सारे पीसेज डाल करके इसी तरह से इसका जूस निकाल लेंगे। जूसर की मदद से जो जूस निकलता है उसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसको ऐसे ही पी सकते हैं क्योंकि उसमें रेशे नहीं आते हैं। और ये देखिए हमारा एप्पल का जूस बहुत बढ़िया सा जूस बन के यहाँ पर भी तैयार हो गया। और 5-6 एप्पल में अच्छा खासा हमारा 2 गिलास जूस इसमें भी निकल के तैयार हो गया। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, पीने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। अब मैं वाटरमेलन का जो पतला पतला स्लाइड करके रखा था उसका मैं जूस निकालूंगी। इसमें बहुत बढ़िया जूस निकल कर तैयार होता है। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें काफ़ी जूस निकल जाता है। ये 2 गिलास से ज़्यादा जूस निकलेगा इसमें भी। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भी जूसर की मदद से जूस निकाल लिया। ये देखिए एकदम फ्रेश जूस निकल रहा है इसका, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसको भी बिल्कुल छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रेशे नहीं आता है। जूसर में यदि जूस निकालेंगे हम तो जूस हमारा बिल्कुल छन के आता है। ये देखिए कितना बढ़िया जूस हमारा निकल के तैयार हुआ है। सारे जूस को इसी तरह से निकाल लेंगे। दो गिलास से ज़्यादा जूस निकला है इसमें। इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो 2 गिलास से ज़्यादा हमारा जूस बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसको भी साइड में रख लेते हैं। अब मैं सारे जूस को गिलास में निकाल लिया। मैंने एक ही गिलास जूस लिया है यहाँ पर, बाकी जूस रखा हुआ है मेरा। और इसमें मैं सेंधा नमक डाल करके इसको इस तरह से मिला दूँगी। एकदम फ्रेश जूस तैयार हुआ है, ये मौसमी का जूस है। सेंधा नमक इसमें भी डाल दिया है मैंने। और ये हमारा एप्पल का जूस है, इसको भी मिला देंगे नमक डाल के। देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है। हमारा ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन की घंटी को भी दबाइए अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।